How can something as beautiful as this be dying? A plague is ruining the land, but the Tree of Life still stands. Question is, for how long? End is coming to the new world. The tribes stand divided, in need of someone strong enough to unite them, or bring them all down. This is a story with an unusual beginning. So, let's expect an unusual end. सो हेलो गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायो म्युटेंट। गाइज, ये गेम अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है गाइज, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं एक, लाइक कैसा गेम है, लेट्स सी कि अच्छा है। एक्चुअली आई थिंक ये यूबीसॉफ्ट का गेम है। सो गाइज, यूबीसॉफ्ट के हर मतलब अभी तक इतने गेम खेले गाइज, सारे बहुत बढ़िया होते हैं गाइज, तो देखते हैं ये भी कैसा चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू गेम, लेट्स बी मीडियम। सो ऐसा मीडियम पे खेलते सारे गेम, बड़ी बात नहीं। एक दो शूटर गेम खेले हैं हार्ड पे, एक्स्ट्रा मतलब एक्सट्रीम पे, जैसे क्राइसिस और वो, पर लाइक इसको एक्सप्लोर करना है, आराम से खेलते हैं, क्यों इतना हार्ड करना, मजे लेके बिल्कुल। ऑल सेटिंग्स आर सेट अप टू गाइस मैक्स, सारी मैक्स पे रखी है भाई। डीएनए सारे टट्टी, पहला वाला ज्यादा सही है भाई। ओके नेक्स्ट भाई, मॉडिफाई भाई। ये क्या है, स्ट्रेंथ पे जाऊंगा तो सर छोटा क्यों हो रहा है? अच्छा ऐसा है क्या, इंटेलिजेंस भी रखनी है, स्ट्रेंथ भी रखनी है, और रेंडमाइज ना ऐसा नहीं, स्ट्रेंथ की और स्ट्रेंथ और इस साइड जाते ज़्यादा, स्ट्रेंथ हो गई, एजिलिटी हो जाएगी ना। स्ट्रेंथ और एजिलिटी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये रैंडम करते हैं, कुछ पता नहीं अपने को। नहीं यार, ऊपर पूरा एक ही। हाँ ये सही है, नेम कलर माय नेम, ओहो आई लाइक इट। ये एडजस्ट नहीं होता क्या, ब्लैक और आई टेक ग्रीन। अच्छा अब जाएगा डिटेल कलर पे, ब्लैक या कुछ ऐसा, वाइट सबसे बेस्ट है। समुराय जैसा बंदा ज़्यादा सही लगता है। सही है यार, देखते हैं मतलब कैसा है आगे। गाइज इनको देख रहे हैं, टॉम एंड जेरी की याद आ गई, जैसे अगर टॉम एंड मतलब टॉम को कुछ ईवल सा सूझ रहा होता है ना, तो उसके आसपास एक अच्छा बंदा आ जाता है, एक डीवल आ जाता है। अरे भाई चलो आ गया यार, गेम स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, क्यूट है यार वैसे ये चीज़, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और सब कुछ। कुछ मैप वैप है क्या, या आई थिंक अभी कुछ खुला नहीं है। ओहो ओके, अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो गाइज ये सॉर्ड चलाता है, और लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये पिस्टल चलाता है। बायो म्यूटेंट मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई बायोलॉजिकल म्यूटेशन है बंदे पे, तो देख रहे हो ये है नहीं, ह्यूमन नहीं है, फिर भी एक लाइक बायोलॉजिकल म्यूटेशन है ये।
भाई ये क्या अच्छा ऐसा है यहाँ। इसको देख के आ गया जैसे ट्रेलर में करते हैं ना वैसा ही है, बस अपने पास वो बंदा नहीं है ना दूसरा वाला। गाइस इट इज एग्जैक्टली द सेम जो चीज ट्रेलर में होती है, मतलब आपने जो अभी स्टार्टिंग में देखा दैट वाज द ट्रेलर ऑफ दिस गेम बायो म्यूटेंट, और सेम एज इट इज अभी स्टोरी के स्टार्टिंग में हुआ कि हम एक रकून जैसे बंदे हैं और हमारे पीछे एक बेयर टाइप बंदा पड़ा है, भालू पड़ा है हमारे पीछे, मतलब देखते हैं। ओह हम अपने पॉज पे भी भाग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब चारों पैरों पे भाग सकते हैं। भाग भाई भाग, मरेगा तू वरना। Evolution gone wrong. Aim towards Pesar to load a ranged weapon. भाई जिसको देख रहे हैं हम बैटमैन की सी फीलिंग आ गई, मतलब बैटमैन भी बहुत फास्ट फाइट करता है। चलो हम चलते हैं अपने, क्या है अपने मार दिए अपने बंदे, हम बंदे भी नहीं कह सकते यार इसमें, लो मार दिए हमने कोई अजीब से जानवर। ये क्या है हैं भाई, हमें क्या करना है ऐसी चीज इंटरेक्ट। ओ हेल्थ रिजनरेशन ड्यूरेशन, ओके वो तो समझ गए। 2 से पिस्टल आती है, ये क्या है 3 से नकल्स हैं, बाद में देखना भाई। इंटरेक्ट ऊपर चढ़ जाना। अच्छा हमको जाना इस साइड है, इलेक्ट्रिक मॉड्यूल नेक्स्ट, आई विल पिक इट अप। प्रेस 1, ओके। अच्छा तो ऐसा है मतलब हर एक 1 और 3 पे, मतलब 1 2 3 हम तो वहीं पे आ गए जहाँ से हम निकले थे। करना क्या है यार, तो यहाँ से मैं गया था। हर जगह यार ये बंदा पार पैर मार के ऐसा चीज है। ओके ब्रो, 1 पे फिर से यूज कर सकते हैं हेल्थ पैच, हेल्थ पैक। हाँ मेरे को लग ही रहा था कि ऊपर चढ़ना होगा। मेरे को डोरा द एक्सप्लोरर का सब आ रहा है, मतलब उसमें पीछे से एक बंदा नहीं बोलता यार, अच्छा हुआ कि यहाँ पे ये चीज छोड़ी हुई है कि हम एक कर सकते हैं।
पहले हम अपने साइज वाले से निपटेंगे गाइस। ओ बड़े भैया, हाँ अब आओ तुम, तुम्हें अब हम बताते हैं। आई साइड हो जा, E to enter. हाँ हाँ fallen enemies. A fallen can often be looted. Okay okay. तो मतलब हम गिरे हुए बंदे को जाके ये ऐसा लग रहा है skateboard with extra rollers है। जो भी है मतलब हम अगर कोई बंदा मतलब enemy गिरा हुआ है तो हम उसको loot सकते हैं ताकि हमारे पास ammo नहीं है guys. Fuck we are out of ammo. भाई एक तो वो बड़ा बंदा भी परेशान हो गया है, कहीं पे भी मारे जा रहा है वो। नहीं नहीं छोड़ दे हमारे छोटे से बच्चे को, क्विक हील, आई लाइक दिस। भाई 1200 तक जाती है मेरी हेल्थ। अरे यार नया गेम है ना, इसमें अल्ट से होता है। अरे गलत टाइम, मैं भी वही सोच रहा था, अगर ये अगली बार निकालेगा ना नीचे से कोई तो उसके मारेंगे। आहा प्लान सक्सेसफुल। तो हमको फिर से इस कुछ मिला है हील के लिए, हेल्थ रिजनरेशन ड्यूरेशन 2 सेकंड्स आई थिंक। ओके तो हम यहाँ पे जाते हैं। शील्डर्स भाई यार, एक छोटे से बच्चे की जान लोगे क्या तुम? अरे हट जाना यार भाई, एक देख इसके सर पे करंट चढ़ रखा है। साइड मुन्ना साइड। नो रेंज्ड वेपन, अरे मेरे को रेंज्ड वेपन चाहिए। गोलियां बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है, अपने को एआर देनी चाहिए उन्हें। चलो इसकी शील्ड गई है टूट, अब अपना गेम है। अपग्रेड पॉइंट्स, वाह बाद में देखेंगे अपग्रेड पॉइंट्स, अभी तो बस गेम कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे अपग्रेड पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। इसकी हाइट से लंबी तो वैसे वो थी तोड़ने वाली, नाम भूल गया उसका, आई थिंक वो कील निकालने के काम आती, इतनी बड़ी है वो। अच्छा इसके लिए है वो भाई, इतना वीक भी नहीं था यार जिस तरीके से टूटा, थोड़ा सा होल खुला हुआ दिखा देते, दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर हिम टू गो।
भाई यू मीन इट, हमको खुद जाना है। अच्छा यहाँ पे रास्ता है, लेकिन वैसे था क्या हुआ? यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ रेडिएशन है? अरे भैया मार ले। चलो एक तो हो गया खत्म लगभग ये वाला। अरे मेरी भी हेल्थ कम हो गई यार। बायो पॉइंट से कुछ अनलॉक हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ आया था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं यार वो क्या था। लेट्स गो माय रेकून डॉग। इसमें देखूंगा इंटरनेट पे जो ये बंदा है ना अपना, ये क्या है, मैं रेकून डॉग है या कुछ और है, ये क्या बात। ओके भाई पजल है ये, ई क्यूट रोड है। एक सेकेंड। अच्छा ये है क्या? भाई ये क्या हो गया? ये इंटरेक्ट करो इंटरेक्ट करो, अब देखते हैं क्या होता है। बड़े अजीब चीज़ थी मुझे पहली बार तो पता ही नहीं चला। कंप्लीकेट ईजी था, मैं वही कर रहा था, मेरे को लगा लेकिन सारे बराबर होने चाहिए, वो ई पे ही होगा मतलब सारे वाइट कलर पे। तो कुल मिला गाइस ये सब जो नतीजा हुआ है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैं कुछ गलत बोल गया शायद, मतलब उन्होंने रेडिएटिव वेस्ट होता है ना जो रेडिएशन छोड़ता है, वो सी में डाल दिया था, उनको लगा कि वो सिंक हो जाएगा पर ऐसा हुआ नहीं।
भाई ऑफ कोर्स वो वार्निंग है यार। हो गया शॉर्ट सर्किट हमारा डोर भाई। इतनी इंटेलिजेंस है भाई हमारे बंदे में, लेकिन हमने पॉइंट नहीं बढ़ाया उसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटेलिजेंस नहीं है। आई थिंक अगर हमारे पास इंटेलिजेंस ज़्यादा होती तो हमको ना कुछ पिन रोटेशन पॉइंट्स कुछ ज़्यादा मिलते भाई। स्लॉथ है क्या बंदा है? रिलोड 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 रिलोड। ओ भाई साहब, वैसे इस बंदे के पास में गन तो बहुत अच्छी है जो चेयर पे बैठा है, व्हील चेयर पे। ना ना मुन्ना ना, हमें नहीं मार सकते तुम हैं। ना ना जी रहम करो यार, वो बंदा व्हील चेयर पे बैठा है। चलो ये सब थोड़ी सी हेल्थ बची है वो सब इसकी। ओहो ये क्या चीज है? ई टू इंटरैक्ट। पेड ऑफ तो हो गया, कुछ ना कुछ तो हमको मिला ही है। आई थिंक सारी चीजें हमारे पास हीलिंग वाली मिली। एक सेकेंड, ये रस्से किस काम के हैं भाई? जरा नहीं पड़ेगा यार ये है ना, जब तक हमारे पास ऊपर जाने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना तब तक ये नहीं पकड़ेगा। आई नो मोस्ट ऑफ गेम्स ऐसे ही होता है, अ न्यू फ्रेंड एंड अ ओल्ड फ्रेंड। तो चलो भाई ये बात करते हैं हम। It was after the attack that the unity fell apart. After the old village was destroyed and you disappeared, a struggle had it not been for the tree of life, no one would have. So आज ये इसका शायद पुराना दोस्त है, मतलब एक्चुअली दोस्त नहीं है, कुछ ऐसा लगा लो कि मतलब वो बंदा इसको ये बता रहा था कि लाइक पास्ट में क्या हुआ था। मतलब ये उसको रिमेम्बर तो नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत छोटा था उस टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ, और इसके आँख के नीचे स्कार है, मतलब वन आईड रोनिन, मतलब एक आँख वाला रोनिन के बारे में इसने रूमर सुने थे आउटसाइड द ग्रेट वॉल्स, जो कि ट्रू है, मतलब वो यही बंदा है। वो ये बोलना चाहता है, उसको पता था कि इसके आँख के नीचे स्कार है और वो एक आँख वाला है, क्योंकि वो उस समय बहुत छोटा था। ये बंदा मतलब हमारा बंदा जो एक्चुअली अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन साइज में, उम्र में नहीं। सो गाइस
बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। और बात बता रहे थे मतलब कैसे वो दूसरे, ओ भाई हमारे पास कुछ भी नहीं अभी, ये क्या है। हाँ। चलो भाई, अरे मैंने सोचा था यार यहीं पे मैं बंद कर दूंगा ये वीडियो को, लेकिन पता नहीं है क्या हो गया, वो अपने आप हूँ चिल्लाने लग गया, ये उसके पास चला गया। तो देखते हैं ये वाला मिशन कर लेते हैं जो भी इसने दिया है, मतलब पोटैटो वटैटो का, उसके बाद में बंद कर देंगे। मतलब आई विल रैप अप माय फर्स्ट, वो क्या बोलते हैं वीडियो। ओ भाई वाह, मतलब यार मतलब मेरे को इस चीज़, मैं क्या बताऊँ, मेरे को इस गेम के बारे में एक चीज़ सबसे अच्छी लगी ना भाई। नहीं, डिफीटेड, व्हाट द फक वाज दैट, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तो भाई छोड़ देना, मैं इसको आज यहीं पे रैप अप कर देता हूँ, अगली बार देखेंगे तो ये हम मतलब आप मेरे को ये मिशन कंप्लीट करता हुआ पाएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू इन्जॉय द गेम टिल नाउ। तो गाइज आप मेरे को अपने ओपिनियन बताओ कि कैसा लगा गेम मेरे को। मैं ये बोल रहा था मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि पूरा इमेजिनरी वर्ल्ड है पूरा, वो एक अच्छी चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।